कैथोड रे ओसिलोग्राफ CRO। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। CRO होता क्या है? बेसिकली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, साउंड वेव्स या फिर पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को जिस डिवाइस से हम स्टडी करते हैं उस डिवाइस को ही हम CRO कहते हैं। मूविंग ऑन, लेट अस डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ CRO। CRO के बेसिकली फोर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, नेमिंगली कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम शॉर्ट में CRT भी कहते हैं, एक पावर सप्लाई, टू पेयर्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर्स एंड एक टाइम बेस्ड सर्किट ऑल्सो नोन एज स्वीप सर्किट। नाउ लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स इन मोर डिटेल। कॉम्पोनेंट नंबर वन, कैथोड रे ट्यूब अका CRT। ये एक स्पेशली डिजाइन ग्लास ट्यूब होती है जो एक साइड से ज़्यादा ब्रॉड होती है एज कम्पेयर टू द अदर साइड, एंड इसका इनर सर्फेस फ्लोरोसेंट मटीरियल से कोटेड होता है। जनरली दिस इज हाउ अ CRT लुक्स लाइक। फर्दर लेट अस डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, द प्रिंसिपल ऑन विच दिस इज बेस्ड। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम या फिर कैथोड रेज जो होती हैं, हम उनको एक सूटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम छोटे क्लासेस में बीम ऑफ लाइट को लेंस की हेल्प से स्क्रीन पर फोकस करते थे। अब क्योंकि हम CRT को डिस्कस कर ही रहे हैं, सो लेट मी टेल यू कि CRT खुद भी 3 कॉम्पोनेंट से फॉर्म हुआ है, नेमली इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब इन कॉम्पोनेंट्स को समझने के लिए लेट्स मूव टू द डायग्राम। फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी, तीनों कॉम्पोनेंट्स को अलग कलर से डिपिक्ट किया है। द ग्रीन पार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रॉन गन, जिसका काम है एक कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना। एंड रिमेंबर, जो कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस होती है। द पिंक पोर्शन कंप्राइजेस ऑफ डिफ्लेक्टिंग सिस्टम एंड द ब्लू वन इज द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिस पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करते हैं टू ऑब्टेन अ फाइन स्पॉट ऑफ लाइट। नाउ लेट अस डिस्कस दीज कॉम्पोनेंट्स इन डिटेल। नंबर वन, इलेक्ट्रॉन गन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक फिलामेंट है जो एक कैथोड से सराउंडेड है, और उसके भी ऊपर एक निकल का सिलेंडर है जिसमें एक फाइन होल होता है जो ट्यूब एक्सिस के कोएक्सियल होता है। बेसिकली जो सिलेंडर होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर सेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं और एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलेंडर की ओपनिंग से इमर्ज आउट करती है। अब हमें एंड में स्क्रीन पर स्पॉट मिलता है जो उतना ज़्यादा ब्राइट होगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट करेंगे, एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम दो एनोड्स लगाते हैं सिलेंडर के आगे, जिनको A1 एंड A2 से मेंशन किया है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट A2 का पोटेंशियल A1 के पोटेंशियल से ज़्यादा पर सेट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आगे स्क्रीन की तरफ मूव कर सकें। प्लस एनोड इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, जिसकी वजह से एक शार्प फोकस ऑब्टेन होता है स्क्रीन पर। बोथ द एनोड्स टुगेदर फॉर्म एन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस एंड द होल सिस्टम इज इलेक्ट्रॉन गन। नंबर टू, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। इसलिए हम टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स लगाते हैं, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल, नेमली XX एंड YY। ये प्लेट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट करती है। एंड रिमेंबर, एक बार में एक सेट ऑफ प्लेट्स ही ऑपरेट करती है, ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसका इनर सरफेस फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड होता है जो एक इनविजिबल इलेक्ट्रॉन बीम को एक विजिबल स्पॉट में कन्वर्ट करता है ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ फ्लोरोसेंस। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की, विच इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम क्या होता है? एम्पलीफायर्स और टाइम बेस्ड सर्किट्स को हाई DC एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड वोल्टेजेस प्रोवाइड करना। नाउ लेट अस डिस्कस यूजेस ऑफ अ CRO। नंबर वन, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करना। नंबर टू, किसी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस से फॉर्म होने वाली एक्चुअल वेव को ट्रेस करना। नंबर थ्री, DC वोल्टेजेस को मेजर करना। नंबर फोर, हिस्टेरेसिस कर्व को ट्रेस करना। नंबर फाइव, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के फेज डिफरेंस को मेजर करना। नंबर सिक्स, ऑल्टरनेटिंग करंट की अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर करना। नाउ लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ CRO। जैसे कि आप सब देख सकते हो, हम हमारे चारों कॉम्पोनेंट्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं जो कि फर्दर AC मेन से कनेक्टेड होता है। वर्टिकल एम्पलीफायर को वर्टिकल प्लेट से,
एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को हॉरिजॉन्टल प्लेट से कनेक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमें स्क्रीन पर स्पॉट मिलता है या एक मूविंग स्पॉट से जनरेटेड ग्राफ ऑब्टेन होता है।